छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने जगरगुंडा मार्ग पर गाड़ियों को रोक दिया। नक्सलियों ने सड़क काटने की कोशिश भी की है, वहीं मौके पर पहुंचे डीआरजी जवानों को देखकर नक्सली भाग खड़े हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने जगरगुंडा मार्ग को जाम कर दिया है। जगरकुंडा मार्ग पर नक्सलियों के द्वारा गाड़ियों को रोका गया। हालांकि यहां पर नक्सलियों ने सड़क काटने की भी कोशिश की, लेकिन ये नापाक इरादे नक्सलियों के पूरे नहीं हुए और डीआरजी जवानों की वहां दस्तक होती है और नक्सली डीआरजी जवानों की दहशत से वहां से भाग खड़े हुए। सुकमा के जगरकुंडा मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर नक्सलियों ने जाम लगा दिया, सड़क को काटने की कोशिश की गई। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद डीआरजी जवान वहां पहुंचे और डीआरजी जवानों की दहशत से नक्सली वहां से भाग गए। ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ सुकमा से हमारे संवाददाता शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि आज चिंतलना और दोरनापाल के बीच में जो वाहनों की आवाजाही हो रही थी, नक्सलियों ने बुरकापाल के पास जंगलों में उन्हें रोका और पूछताछ कर रही थी, लेकिन जैसे ही फोर्स को यह जानकारी मिली कि नक्सलियों ने वाहनों को रोक रखा है, तत्काल डीआरजी की टीम वहां निकली और जिसे देखकर वहां से नक्सली भाग निकले। जी, तो वहां से कुछ सामग्री इस तरह की पाई गई है, कुछ आईडी बम या कुछ इस तरह की सामग्री जो ठीक नहीं हो, जिससे कोई खतरनाक घटना होने वाली हो? जी, ऐसी कोई सामान वैसे वहां से कोई प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जरूर ये बताया जा रहा था कि नक्सली सड़क को जाम करने के लिए, सड़क को खुदाई करने के लिए ऐसा मंसूबा लिए वहां पहुंचे थे, मगर साथ ही उन्होंने वाहनों को रोक दिया, जिससे फोर्स को इसकी भनक लग गई कि नक्सलियों ने वहां पर नक्सलियों का जमावड़ा है, वहां कहीं ना कहीं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। किसी प्रकार की कोई हताहत या किसी नक्सली की गिरफ्तारी यहाँ से डीआरजी के जवानों ने की हो? ऐसा अभी कोई भी गिरफ्तारी या कोई भी हताहत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। और खबर बीजापुर से है, जहां पर आप